विक्रम, बाबा को जरूर कुछ हो गया है। उस दुष्ट आत्मा ने बाबा को हमसे छीन लिया है। लो, एक और क्या? अब तुम्हारा क्या होगा विक्रम? जानती हूँ पूजा, ये सब तुम्हारा ही खेल है। अब विक्रम के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। अपने कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अपने आप को कभी देवयानी से कमजोर मत समझो। जब भी देवयानी तुम्हारे सामने आए तो उसका मुकाबला करना। विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। तुमने मेरी मासूमियत का फायदा उठा के मुझे धोखा दिया। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा है ना, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगे। वैसे सोचो विक्रम, अखबार की हेडलाइंस, एक पत्नी ने अपने पति का खून कर दिया। कितना मजा आएगा ना विक्रम। पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पूजा नहीं विक्रम, देवयानी हूँ। वैसे तुम हमेशा पूजा का ही नाम लेते रहते हो ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि तुम अपनी जुबान से पूजा का नाम ले सको। बाबा, हाय रब्बा, ये आश्रम की तबाही किसने की है? बाबा, 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 बाबा साहब।
मैं यहां हूं। बाबा आप यहां? ये सब क्या हो गया बाबा? परेशान मत हो, शरीर नश्वर होता है और एक ना एक दिन उसे नष्ट तो होना ही। मुझे पता था ये लोग मेरे शरीर को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, किंतु ये जानते नहीं कि पूजा की टांगी हुई रक्षा मटकी इनके सारे वार असफल कर देगी। ये क्या हो गया बाबा, आपका वार उल्टा कैसे पड़ गया? जरूर इस पाखंडी ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं भैरव की कृपा से इसकी सुरक्षा का इंतजाम भी तोड़ दूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, मेरा समय इतना ही था, अब तू ही इन शैतानों से उन भले लोगों की रक्षा करता। मैं जानता था मेरा वक्त आ गया। ओम भीम श्री सो सो स्वाहा। हे ईश्वर, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शैतानी ताकत के सामने ईश्वरीय शक्ति हार गई। अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, इसलिए तुम और पूजा इस लड़ाई को लड़ते रहना। लेकिन बाबा आपके बगैर इस संसार का काम किसी के बगैर रुकता नहीं है, कालचक्र हमेशा चलता रहता है। मेरे गुरुजी तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों की वजह से आपकी ये हालत। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैंने कहा ना शरीर नष्ट हुआ है आत्मा नहीं। मैं हमेशा उस ज्ञान में जीवित रहूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए जब भी कोई विपदा आए तो घबराने की बजाय उस ज्ञान का चिंतन मनन करना जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसी आपकी आज्ञा बाबा।
जय चामुंडे। महारानी यहाँ। जय चामुंडे। क्या बात है महारानी, तुम इतने गुस्सा में क्यों लग रही हो? बाबा पता नहीं ये देवयानी विक्रम को इतना प्यार क्यों करती है, और वो धोखेबाज देवयानी के प्यार की कद्र किए बिना अपनी उस मूर्ख बीवी के साथ मिलकर उसे उसे खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। नहीं भारणी, नहीं, इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही मूर्ख होता है, उसे अपनी भलाई नहीं दिखती। इसलिए तुम देखना, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब विक्रम के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, देवयानी के आगे समर्पण। आपका आशीर्वाद रहा बाबा, तो देवयानी ये खुशी के दिन जरूर देखेगी। अच्छा बाबा, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो ढोंगी बाबा, वो तो खत्म हो गया, अब किसकी बारी है? मूर्ख, मौत के बाद भी हमारा फायदा कराएगा, क्योंकि अब शिकार खुद चलकर हमारे पास आएगा। मैं समझी नहीं बाबा। अरे नहीं, उस पाखंडी के मौत के बाद विक्रम के घर वाले नए सहारे की तलाश करेंगे, क्योंकि हमसे टकराना उनके अकेले की बस की बात नहीं। और ऐसे हम उन्हें सहारा देंगे। मैं समझ गई बाबा, हम उन्हें सहारा देंगे और आसानी से उन्हें बर्बादी की खाई में धकेल देंगे। जय चामुंडे। पूजा, चंचल ने आधे घंटे पहले तुम्हारे सामने नाश्ता रखा था और तुमने इसे छुआ तक नहीं। ऐसे कैसे चलेगा पूजा? अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। लो खाओ, कम ऑन। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। देखो पूजा, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। नहीं विक्रम, तुम देवयानी को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पूजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने और विक्रम ने मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिश रची है, उसका फल तो तुम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। बस 7 बजने का इंतजार करो, और फिर जो खेल तुम दोनों ने 7 फेरे लेकर शुरू किया, 7 बजते ही उसे मैं खत्म कर दूंगी। क्या बात है बीजी? तबीयत तो ठीक है? बेटा बहुत बुरी खबर है, बाबा जब कल ध्यान में बैठे हुए थे, अघोरी बाबा ने और देवयानी ने उन पर हमला कर दिया और बाबा नहीं रहे। क्या? हाँ पुत्र, पता नहीं ये देवयानी भी अपने पागलपन में क्या क्या बदले लेगी हमसे, किस किस की बलि चढ़ाएगी। हाय रब्बा, बीजी बाबा ही थे जो हमें देवयानी के कहर से बचाते थे, अब क्या होगा, देवयानी को कौन रोकेगा बीजी? पता नहीं पुत्र,
मुझे तो पूजा की बहुत फिक्र हो रही है, उसका क्या होगा? बिल्कुल परेशान मत होइए बीजी, माता रानी सब ठीक करेगी। हाँ पुत्र, अब तो माता रानी का ही आसरा है, जब तक बाबा के गुरुदेव नहीं आ जाते तब तक हमें सिर्फ माता रानी ही बचा सकती है और कोई नहीं। उस पाखंडी साधु की मौत के बाद हम अपनी मंजिल के और भी नजदीक पहुंच गए, फिर भी आप खुश नहीं, क्या बात है? कैसे खुश हो लुभारे ने? वो इंसान जिसके प्यार में मैं दीवानी हूं, जिसे पाने के लिए मैं दिन रात सपने देखती रही, अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसे मेरी परवाह नहीं। लेकिन मैं विक्रम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे अपनी दुनिया में जगह नहीं दी तो क्या हुआ? मैं उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी, खास तौर से तब जबकि विक्रम की मदद के लिए यह शैतानी आत्मा हाजिर हो। मतलब? बाबा की आज्ञा है कि मैं किसी पाखंडी बाबा का रूप धर के उस घर में जाऊं और उस घर के लोगों की मदद करूं, क्योंकि उस घर के लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें यकीन दिलाना मुझ जैसी शैतानी आत्मा के लिए एक मामूली सी बात है। बस एक बार मुझे यहाँ आने दीजिए, फिर देखिएगा मालकिन कि क्या होता है। लेकिन भारिनी, तुम यहाँ आकर करोगी क्या? मैं उस यंत्र को इस घर के बाहर फेंकवाना चाहती हूँ, ताकि इस घर की बर्बादी के रास्ते आसानी से खुल जाए। नहीं भारी, तुम्हें सावधान रहना होगा, उस यंत्र को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये भारिणी बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकी बजाकर हल कर देगी। फिक्र मत करो भारिणी, इस बार तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें मैं आसान कर दूंगी। हे माँ, मुझे आज तक आप पे और अपने मंगलसूत्र पे पूरा विश्वास था। मुझे ऐसा लगता था जैसे इन मोतियों से मेरा और विक्रम का रिश्ता बंधा हुआ है जो कभी नहीं टूट सकता। फिर आज मेरा भरोसा क्यों डगमगा रहा है माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी मुट्ठी से मेरे सारे सपने फिसलते जा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माँ? माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरे विक्रम को बचा लो माँ। पूजा, पुत्र ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। देख बेटा, हमने आज तक देवयानी के इरादे सफल नहीं होने दिए ना, हम आगे भी नहीं होने देंगे। बीजी आप नहीं जानती, वो मुझे धमकी देके गई है कि वो शाम 7 बजे के बाद विक्रम को। बेटा तू देवयानी की धमकियों से क्यों डर रही है? तुझे पता है ना वो गुस्से में है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मुझे पूरा यकीन है गुस्से में देवयानी कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उसी गलती का फायदा उठाना है। बीजी, आप जानती हैं कि वो विक्रम को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ नहीं होगा, तू देख लेना, विक्रम को कुछ नहीं होगा।
आज हम इसी मंदिर में पूजा करेंगे और हम सब माँ दुर्गा के कवच के नीचे घेरे में रहेंगे। और जब भी माँ की शरण में कोई आ जाता है ना, तो उसे कोई नहीं छू सकता बेटा, कोई नहीं। एक बार मारे नहीं उस यंत्र को हटा दे और ये काली पोटली उस घर में रख दे तो एक झटके में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। प्रसन्न होसी निज दाशा केशा पासुन सोड़ी थोड़ी भव पाशा हमने तुझ वाचून कोण पुर विल आशा नर हर तल्लीन झाला पद पंकज लेशा जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वर दे तारक संजीवनी जय देवी 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 जय दुर्गे जय दुर्गे जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय दुर्गे जय दुर्गे जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय दुर्गे जय दुर्गे जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय दुर्गे जय दुर्गे जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी। मेरे परिवार के सांसों की डोर अब तेरे हाथ में है, टूटने मत देना। विक्रम, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? देखो ना, तुम कल सारी रात नहीं सोए, तुम इस तरह काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पूजा, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। Thanks. Bye.
निरंजन। हाँ बाबा आ रही हूँ। ओहो ये चंचल भी इस वक्त कहाँ मर जाती है। आ रही हूँ आ रही हूँ। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। हम जनार्दन के अधूरे काम को पूरे करने आए। मुझे पता है तुम कौन हो और ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसने मेरे शिष्य जनार्दन को धोखे से मारा है उसे हम अवश्य दंड, परंतु हमारा धर्म है हमारी परिवार की सुरक्षा, अथवा मेरे शिष्य जनार्दन की आत्मा को शांति नहीं। हाय रब्बा, कहीं ये सचमुच बाबा के गुरुदेव तो नहीं है। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप अंदर आइए ना, हमारी माता रानी के मंदिर के दर्शन कीजिए, अपने चरण स्पर्श कराइए ना हमारे घर को। नहीं नहीं, मैं अपवित्र हूँ, जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता मैं घर के अंदर नहीं आ सकता। आप समझिए, तो देवयानी ने आखिर अपनी नई चाल चल ही दी। जाओ, सबसे पहले जनार्दन ने जो यंत्र दिया है वो ले आओ, उसे घर के अंदर नहीं घर के पश्चिम ओर रखा जाता है, उसके बाद ही बुरी आत्माओं से तुम्हें सुरक्षित मिल सकता है। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। ये देवयानी भी ना अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है और मुझे बेवकूफ, मुझसे वो बाबा का दिया हुआ रक्षा यंत्र मांग रही है। ठीक, मैं रक्षा यंत्र दूंगी, लेकिन ये असली वाला नहीं नकली वाला जो मैंने पहले से ही मंगवा के रखा हुआ है। देखा कितने काम आ रहा है ये यंत्र। देवयानी ये लीजिए। इसे मैं नहीं छू सकता, इसे सिर्फ घर के लोग ही छू सकते हैं। गलती हो गई बाबा जी, मुझे पता नहीं था ना, क्षमा कर दीजिए। इसे कहाँ रखना है? आपका घर का द्वार पश्चिम ओर है, यहाँ रखिए। यंत्र से टकराकर सूरज की किरणें सारी ओर फैल गई। अब तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर को नजर उठाकर नहीं देखेगी। लेकिन बाबा जी, सूरज रात को तो नहीं निकलता है ना, फिर उसकी किरणें कैसे आएंगी, और फिर दुष्ट आत्माएं भी तो रात को ही वार करती है ना। कोई बात नहीं, मैं रात को फिर आऊंगा, मेरे शक्ति के बल से इस घर को सुरक्षित रखूंगा। अलग निरंजन। ठीक है बाबा जी, मैं भी आज रात को आपका इंतजार करूंगा। मेरी बात मान, थोड़ी देर आराम कर ले, ऐसी हालत में स्ट्रेस अच्छा नहीं होता पुत्र। मैं क्या करूंगी, मेरा दिल तो यही सोच सोच के घबरा रहा है कि उस देवयानी का अगला कदम क्या होगा। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, देवयानी ने अगला कदम उठा लिया है, और वो अगला कदम उसे खुशी देने के बजाय पछतावे की आग में जला देगा। क्या मतलब बीजी? मतलब यह है पुत्र कि देवयानी ने एक दुष्ट आत्मा को बाबा का गुरुदेव बनाकर यहां भेजा था, और उस बाबा ने आके मुझसे बाबा का ही दिया हुआ रक्षा यंत्र मांगा और मैंने दे दिया। फिर
फिर क्या, बाबा ने उस यंत्र के बारे में जो भी मुझसे कहा मैं करती चली गई। वो चाहता था कि मैं ये इस दिशा में रखूं, मैंने वो यंत्र उस दिशा में रख दिया। वो जैसा चाहता था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैंने उसे असली वाला यंत्र नहीं दिया बल्कि नकली वाला यंत्र दिया। बस दुष्ट आत्माओं की तरफ से एक गलती और, फिर देखना ये सारी दुष्ट आत्माएं अपनी ही नर्क की आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगी। शाबाश मालिनी, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रक्षा के यंत्र को यहाँ लाकर तुमने उस घर की दीवारों को कमजोर कर दिया। अब हम जब चाहे उस नींव को हिला सकते हैं। बाबा, उस बुढ़िया को तो मैं बहुत चालाक समझती थी, लेकिन लेकिन वह तो बहुत ही मूर्ख निकली बाबा। उसने खुद खुद अपने हाथों से उस सुरक्षा यंत्र को घर के बाहर रख दिया। जय चामुंडे। मारने चलो, इस काले फोटली को वहीं पर रख देना जहां से तुम्हें वो यंत्र मिला था। उसके बाद वो पूरा घर हमारे काले जादू के काबू में होगा। बाबा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उस घर के सभी लोग मुझे गुरुदेव गुरुदेव समझते हैं बाबा। चंडिका चंडालिका।